लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। लाखों करोड़ों इनके दीवाने थे, बड़े से बड़ा स्टार इनके आगे पीछे घुमा करता था शादी की हसरत लिए। वो आशा पारेख आज भी कुंवारी क्यों है? इनके जीवन में ऐसा कौन सा दर्द है जिसके साथ आशा आज भी जी रही है? तो आज ये बात आप जान जाओगे कि आशा पारेख के जीवन में ऐसा क्या हुआ था, कैसे ये बाल कलाकार से भारतीय सिनेमा की टॉप की हीरोइन बन गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में। अपनी मनमोहन मुस्कान और एक्टिंग से दीवाना बनाने वाली आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आशा पारेख की माँ मुस्लिम थी जिनका नाम सलमा था। आशा पारेख के पिता का नाम बच्चू भाई पारेख था। आशा पारेख की माँ शादी के बाद सलमा से सुधा पारेख बन गई। आशा पारेख की माँ स्वतंत्र सेनानी रह चुकी है। आशा जब छोटी थी बचपन में उनको डॉक्टर बनना था, लेकिन उनकी माँ सुधा को क्लासिकल डांस में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को कई अलग अलग जगहों पर शिक्षा देकर परिपक्व बनाया। और आशा पारेख ने भी बचपन से दिल लगा कर डांस सीखा और एक छोटी सी उम्र में ही वो अच्छी इंडियन क्लासिकल डांसर बन चुकी थी। और इसी डांस की वजह से वो कई प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनने लगी, जहां बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स डांस देखने को आया करते थे। तभी एक बार डांस परफॉर्मेंस में निर्माता विमल रॉय आए हुए थे, जो इनका डांस देख कर काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने सीधा आशा पारेख के पास जाकर पूछा, क्या तुम मेरे फिल्मों में काम करना चाहोगी? हालांकि उनकी माँ फिल्मों में काम करने के खिलाफ थी, लेकिन विमल जी ने सबको मना लिया। अब किसको पता था कि एक डांस करने की वजह से 1952 की फिल्म माँ में उनको काम करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में आशा बाल कलाकार के रूप में काम कर रही थी। कुछ समय बाद ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में काम करने के लिए आशा पारेख को 100 रुपए की फीस मिली थी और ये इनकी चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद आशा पारेख ने बाप बेटी, आसमान, चैतन्य, महाप्रभु और आशा इन जैसी लगभग 8 फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर काम किया था और इन्हीं फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लिहाजा वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करने का सोचा और संयोग से उन्हें किशोर कुमार की फिल्म जग्गू में काम करने का मौका मिल गया। उसी दौरान वी शांताराम ने उनसे अगली उनकी 2 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। उसी दौरान विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए उनको ऑफर दिया। आशा पारेख ने राजेंद्र कुमार के साथ वाली गूंज उठी शहनाई में काम किया। 4-5 दिन इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद में विजय भट्ट ने उनको कहा कि तुम्हारे अंदर स्टार वाला कोई भी मटेरियल नहीं है, इसके लिए उनको ये कहकर फिल्म से निकाल दिया। इस वजह से आशा पारेख को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वी शांताराम की 2 फिल्में और किशोर कुमार की 7 वाली 1 फिल्म, ये तीनों फिल्में उनके हाथ से छूट गई थी। इसके 8 दिन बाद ही नसीर हुसैन ने शम्मी कपूर के साथ दिल दे के देखो इस फिल्म का ऑफर दे दिया और आशा ने इस फिल्म का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म के शूटिंग के दौरान 16 साल की आशा पारेख शम्मी कपूर को चाचा कहकर बुलाती थी, क्योंकि शम्मी कपूर आशा पारेख से उम्र में बड़े थे। शम्मी कपूर की पत्नी गीता वाली उन दिनों आशा का मेकअप किया करती थी और शम्मी कपूर और गीता आशा पारेख को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। और जब ये फिल्म बनी तो इस फिल्म को आशा पारेख के जन्मदिन के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही रिलीज किया गया और 1959 की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद आशा ने हम हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया। इस फिल्म में इनके हीरो थे सुनील दत्त। आशा पारेख शुरुआती दिनों से ही बहुत ही ज्यादा शरारती थी। हम हिंदुस्तानी की शूटिंग के वक्त आशा पारेख ने सुनील दत्त की चप्पल छुपा दी थी और जब बहुत ढूंढने के बाद चप्पल नहीं मिली तो आखिरकार उन्हें बिना चप्पल के ही फिल्म के सेट से घर पर जाना पड़ा। इसके बाद 1961 में उन्होंने घूंघट फिल्म में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका चुलबुलापन उन पर भारी पड़ गया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर डायरेक्टर रामानंद सागर। रामानंद सागर जो भी फिल्म बनाते थे उसमें अपनी पूरी जान लगा देते थे। वो फिल्म की कहानी और फिल्म मेकिंग में इस कदर डूब जाते थे कि कोई सैड सीन हो तो हीरो हीरोइन से पहले ही वो रोने लगते थे और यही हुआ घूंघट के एक सीन में। उस सीन में आशा पारेख को रोना था, लेकिन उनसे पहले ही रामानंद सागर रोने लगे और उन्हें रोता देख आशा पारेख हंसने लगे। शुरू में तो रामानंद सागर ने उनकी इस हंसी को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार हंसने की वजह से उन्होंने अपना गुस्सा आशा पारेख पर उतार दिया
क्योंकि बार बार रिटेक्स लेने के बाद भी फिल्म का सीन पूरा नहीं हो रहा था। तब गुस्से में रामानंद सागर ने कहा था कि फिल्म का सीन देखकर अगर मैं रो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रो सकती हो, और ये बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई घटना अपने मन में सोच ली और वो पूरी फीलिंग के साथ उस सीन में रोने लगे। इस सीन के बाद ही आशा पारेख अपने फिल्मी करियर को लेकर सीरियस हो गई। घूंघट फिल्म रिलीज हुई, सुपर टूपर हिट हुई और यही से उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। और इनकी घराना, छाया, दृद्धि, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार, कारवा, मेरी सूरत तेरी आंखें, महल, आया सावन झूम के जैसी फिल्में सुपर टूपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को मिली। ऐसे में आशा पारेख की अधिकतर फिल्में सिल्वर जुबली ही रही, इसलिए इनको हिंदी सिनेमा की पहली जुबली गर्ल कहा जाने लगा। जबकि लड़कों में ये किताब राजेंद्र कुमार के नाम रहा। आशा पारेख का फिल्मी सफर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसकी कल्पना खुद आशा पारेख ने भी नहीं की थी। इधर आशा पारेख की प्रोफेशनल जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर थी तो पर्सनल जिंदगी में वो बिल्कुल अकेली थी और उनकी माँ को उनकी शादी की फिक्र थी। वो बीच बीच में उनको शादी के लिए कई लड़कों से मिलवाती रहती, लेकिन आशा पारेख को एक भी लड़का अच्छा नहीं लगता था। ये समय 70 के दशक का था और 1972 में मेरा गांव मेरा देश ये उनकी फिल्म आई, और कहा जाता है कि उस समय आशा पारेख ने इस फिल्म के लिए पूरे 3 लाख रुपए चार्ज किए थे। और इसके बाद ही बॉलीवुड के इतिहास में आशा पारेख सबसे ज्यादा फीस लेने वाली स्टार बन गई थी। आशा पारेख ने नसीर हुसैन के साथ दिल देखो फिल्म के बाद तीसरी मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, कारवा, बहारों के सपने, इन जैसी सुपर टूपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इस कामयाबी के चलते नसीर हुसैन और आशा पारेख के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और उन्होंने ये खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी में तक किया है। उन्होंने लिखा है कि नसीर हुसैन एकलौते इंसान थे मेरी जिंदगी में जिनको मैं बहुत पसंद करती थी और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे और नसीर हुसैन 2 बच्चों के पिता थे, इसके लिए मैंने उनसे शादी करने का विचार मेरे मन से निकाल दिया। इसके पीछे की वजह थी कि दरअसल आशा पारेख नहीं चाहती थी कि नसीर हुसैन का घर टूटे, उनकी बीवी बच्चे बेघर हो जाए, इसी वजह से उन्होंने अपने प्यार का गला घोट दिया। इसके बाद आशा पारेख ने अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लिया, अगर उनकी शादी नसीर हुसैन के साथ नहीं हो रही है तो वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी और जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। इसके बाद 70 के दशक में आशा जी ने 2 बदन, चिराग, हीरा, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की, इन जैसी सफल फिल्मों में काम करके अपनी अमित छाप छोड़ दी। आशा पारेख को फिल्म कटी पतंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। समय गुजरा और अब कई दूसरी हीरोइंस फिल्म जगत में आ चुकी थी और उन्होंने आशा की जगह ले ली थी। 80 का दशक आते आते बतौर हीरोइन उनको काम मिलना बंद हो गया। कालिया, बुलंदी, बंटवारा, इन जैसी फिल्मों में बहन, माँ, भाभी ऐसे किरदार निभाए। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में सभी तरीके के किरदार निभाए, चाहे वो गंभीर हो या चाहे कॉमेडी हो, और हर वो किरदार उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ निभाया और ऐसे 90 फिल्मों में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया, जबकि 25 सालों तक वो टॉप की अभिनेत्री रही थी और उस दौरान वो सबसे ज्यादा पैसे भी चार्ज करती रही। आशा पारेख ने अपने दौर के सभी बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और खूब नाम पैसा शोहरत कमाई, लेकिन इस दौरान एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनके साथ उस दौर की सभी अभिनेत्रियां काम करना चाहती थी, लेकिन आशा पारेख ने उनके साथ कभी काम नहीं किया, और वो एक्टर थे दिलीप कुमार साहब। आशा पारेख दिलीप कुमार साहब को पसंद नहीं करती थी और इसका क्या कारण था ये आज तक राज है, इस बात से कभी पर्दा नहीं उठ सका। आशा पारेख ने हिंदी के अलावा गुजराती, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। साल 1991 में आशा पारेख की माँ का निधन हो गया। यही आशा पारेख के लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि उनकी माँ उनकी रीढ़ की हड्डी थी। वो माँ के निधन से पूरी तरह से टूट गई और कुछ समय के लिए वो डिप्रेशन में तक चली गई थी, लेकिन डॉक्टरों की मदद से वो इन सब से बाहर आ पाई। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म आंदोलन आशा पारेख की आखिरी फिल्म बन गई। इस फिल्म में ये गोविंदा और संजय दत्त के माँ का रोल निभाते हुए नजर आई थी। इसके बाद आशा पारेख ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। समय तेजी से बीत रहा था और इंडस्ट्री पर दूसरी अभिनेत्रियां, दूसरे अभिनेताओं का कब्जा था। आशा पारेख को राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, जितेंद्र ये सब भी पसंद करते थे और इनमें से कुछ तो दिलो दिल में इनसे प्यार भी करते थे।
इन्हीं कुछ स्टार्स के साथ आशा पारेख के दिलचस्प किस्से भी हैं। साल 1968 में आशा पारेख कन्यादान फिल्म कर रही थी। इसी बीच फिल्म के निर्माता रोहन सहगल और उनकी पत्नी के साथ रोहतांग में आर्मी कैंप में गए। यहाँ पर आर्मी की तरफ से दी गई छोटी सी पार्टी पर आशा पारेख को इन्वाइट किया गया और वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। अब मजबूरी में ये तीनों कार को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस समय वहाँ पर जंगली जानवर और भालुओं का शोर हो रहा था। उसी डर की वजह से ये भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से आशा को अपनी नाम की आवाज सुनाई थी। उस आवाज के दिशा की तरफ उन्होंने देखा तो शशि कपूर चिल्लाते हुए उनकी तरफ जीप लेकर आ रहे थे। उनको देखकर तीनों के जान में जान आ गई और उनके साथ वहां से निकल गए, जिसके बाद शशि कपूर और आशा पारेख बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनका दूसरा विवाद रहा एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। ये दोनों एक साथ फिल्म साजन में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा से किसी ने ये कह दिया कि आशा पारेख का ये कहना है कि कौन है ये नया लड़का जो अपने ही खुमार में रहता है, और इस बात को सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो गए और तब से उनको घमंडी लड़की मानने लगे। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जमकर आशा पारेख की बुराई की। ये तक कह दिया कि मैं आशा के साथ फिल्म की शूटिंग करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोया करता था। इस बात का आशा पारेख को बहुत ज्यादा बुरा लगा और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र के साथ आए दिन बाहर में आशा पारेख पहली बार काम कर रही थी। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शराब पी लिया करते थे और शराब की बदबू को छुपाने के लिए प्यास खा लिया करते थे, और आशा पारेख को ये प्याज की बदबू सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र को गुस्से में प्याज खाने को मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र ने प्याज खाने के पीछे की वजह को बताया तो आशा पारेख ने धर्मेंद्र से कहा कि मेरे साथ शूटिंग करते वक्त आप ना तो शराब पिए और ना प्याज खाए, क्योंकि मैं ये दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में धर्मेंद्र ने डिसाइड किया कि आशा पारेख के साथ शूटिंग करते वक्त वो शराब नहीं पियेंगे। बाद में उसी फिल्म के एक सीन के लिए धर्मेंद्र को पानी में जाना था और वहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। बार बार रिटेक होने की वजह से ठंड से धर्मेंद्र का बुरा हाल हो गया। तब फिल्म के निर्देशक हर शॉट के बाद उनको एक ग्लास ब्रांडी ऑफर करते थे ताकि उनके शरीर में गर्मी आ सके, लेकिन धर्मेंद्र आशा पारेख की तरफ देखते और मना कर दिया करते। धर्मेंद्र का शरीर ठंड में जकड़ने लगा। तब वहाँ के लोग आशा पारेख को गुस्से की नज़र से देखने लगे। तब आशा कुछ देर बाद खुद ही ब्रांडी का एक ग्लास लेकर धर्मेंद्र के पास गई और उनको पीने को कहा, लेकिन धर्मेंद्र आशा पारेख के सामने कभी शराब नहीं पियेंगे ऐसा उनको वादा कर चुके थे। इस बात से आशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और इसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ गई। समय तेजी से गुजर रहा था, जिसके बाद आशा पारेख ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी, जिसके बाद आशा पारेख 1994 से 2000 तक सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही। तो वही साल 1998 से लेकर 2001 तक वो सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी रही, और इस पद पे काम करते वक्त उन्होंने कोई भी सैलरी नहीं ली, और इस पद पर रहते हुए उनका महेश भट्ट और शेखर कपूर के साथ फिल्मों को पास करने को लेकर विवाद हो गए थे। शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ के कुछ सीन्स को नकारते हुए आशा पारेख ने हटाने को कहा था। इस बात से शेखर कपूर आशा पारेख से नाराज हो गए थे। तो वही महेश भट्ट अपनी फिल्म जख्म को लेकर आशा पारेख से भिड़ गए थे। आशा पारेख ने जख्म के कुछ दृश्यों पर अपनी आपत्ति जताई थी और उनको ब्लर करने के लिए कहा था, लेकिन महेश भट्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उनको धमकी दी कि वो लाल कृष्ण आडवाणी की मदद से दिल्ली से इस फिल्म को जो कत्यो पास करा के लेंगे। लेकिन दिल्ली के मंत्रालय में महेश भट्ट की एक ना सुनी गई और आशा पारेख की बात को ऊपर रखा। इसके बाद से महेश भट्ट आशा पारेख को लेकर इतने नाराज हो गए कि वो उनके ऑफिस के बाहर आशा पारेख मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और धरना प्रदर्शन करने लगे, आशा पारेख को हिटलर बताने लगे। 2001 के बाद उनका वो कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद से उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया। आशा पारेख अब 90 साल की होने चली है और आज भी वो अपनी डांस अकेडमी चलाती है और साथ ही साथ मुंबई में बने आशा पारेख हॉस्पिटल को चलाने में मदद करती है, जहां वो गरीब लोगों के इलाज में लोगों की मदद करती है। आशा पारेख ने अपने बेहतरीन सफर और अपने काम के चलते कई अवार्ड जीते, जिनमें इनको फिल्मफेयर के अलावा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो वही 2020 में आशा पारेख को भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा है। तो दोस्तों, ये थी आशा पारेख, जो बाल कलाकार से होते हुए मशहूर और चर्चित अभिनेत्री बनी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सभी तरह के उतार चढ़ाव देखे। वो हिंदी सिनेमा में सबकी सबसे पहली पसंद बनी।
लेकिन फिर भी वो अपने एक तरफा प्रेम के चलते जिंदगी भर कुंवारी रही और वो हमेशा अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ी रही। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। वो बहुत ही सुलझी हुई अभिनेत्री रही। उन्होंने कभी किसी दबाव में किसी के साथ काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया और एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने हमें दी, जिन फिल्मों को हम आज भी देखते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं, उनको गुनगुनाते हैं। आशा पारेख के इस योगदान को अनुराजा टीम दिल से सलाम करती है और उनके सुखमय जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, ये थी आशा पारेख की जीवनी। अगर आशा पारेख को लेकर आपके पास कोई भी बात हो तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करें। आपका सपोर्ट शो करने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और भी सच्ची बायोग्राफीज के लिए चैनल विजिट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।